ओबीसी नेताओं के कारण ओबीसी समाज पर अत्याचार हो रहा है। ऐसा आरोप सोमवार को राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से किए गए आंदोलन में आंदोलनकारियों की ओर से किया गया। इस दरमियान बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ओबीसी समुदाय के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, वही वातावरण भी गरमाया हुआ दिख रहा है। उसी बीच सोमवार को राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से ओबीसी के राजकीय आरक्षण को लेकर आंदोलन किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही हम पर अत्याचार कर रही है। वही उन्होंने आगे कहा कि ओबीसी मंत्री भी ओबीसी समाज के लिए बात नहीं कर रहे, इसलिए ओबीसी समाज पर अन्याय हो रहा है। देशातला हा जो 60% ओबीसी समाज आहे, या ओबीसी समाजाला 1994 पासून आमच्या राज्यामध्ये 27%, इतर राज्यामध्ये आणखी कुठे 33-35% राजकीय आरक्षण मिळत होतं। पण 4 मार्च 2021 पासून या देशातल्या या 60% ओबीसींना मिळत असलेल्या राजकीय आरक्षणावर कुठेतरी गदा आलेली आहे। सर्वोच्च न्यायालय वारंवार एकच सांगते की डेडिकेटेड कमिशन बसवा, इम्पेरिकल डाटा गोळा करा आणि ओबीसीला किती रिझर्वेशन द्यायचं ते कळवा, कारण SC ST आणि ओबीसी मिळून एकूण आरक्षण 50%च्या वर जाता कामा नाही। हा झाल्यावरती मध्यंतरी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली होती व आमच्याकडे विविध आम्ही इम्पेरिकल डाटा गोळा केला नाही, पण वेगवेगळ्या सोर्सने इतनी मिळवलेली माहिती आमच्याकडे आहे। इस दौरान उन्होंने दोनों ही सरकारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।